गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स करेंगे। 2019 के वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम क्या है? राइट आंसर है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। सो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है ताकि मलेरिया के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके। और इस साल के वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अप्रैल के थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल के वर्ल्ड अर्थ डे का थीम था प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। इसके अलावा 23 अप्रैल को यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है और 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के तौर पर भी मनाया जाता है। इसके अलावा 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के तौर पर मनाया जाता है। इसे नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे के तौर पर भी मनाया जाता है। स्टार्टअप ब्लिंक की 2019 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है? राइट आंसर है 17th, इंडिया की रैंकिंग है 17। रिसेंटली स्टार्टअप ब्लिंक ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स जारी की हैं। इस रैंकिंग्स में इंडिया 17th पोजिशन पर है, USA इस रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर है, जबकि UK सेकंड पोजीशन पर है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स रिसेंटली न्यूज़ में थी। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस जारी की है और इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 19th। ऑस्ट्रेलिया इस इंडेक्स में टॉप पर है। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 140th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी की है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके अलावा रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की थी और इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 140। फिनलैंड इस रैंकिंग के हिसाब से टॉप पोजिशन पर है। इंटरेस्ट रेट ईजिंग साइकिल को शुरू करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला सेंट्रल बैंक कौन सा है? राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI है वो एशिया पैसिफिक का पहला ऐसा सेंट्रल बैंक है जिन्होंने इंटरेस्ट रेट ईजिंग साइकिल शुरू की है बाय कटिंग पॉलिसी रेट्स बैक टू बैक। RBI की बात करें तो ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। प्रेजेंट RBI गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास। रिसेंटली RBI ने SBI, ICICI और HDFC को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में शामिल किया है। इट मीन्स कि ये बैंक हैं वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा रिसेंटली फॉर्मर RBI गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन को यशवंतराव चौहान नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। इसके साथ साथ रिसेंटली RBI ने MSME सेक्टर के रिवाइवल के लिए एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी के हेड हैं सेबी के पूर्व चेयरमैन मिस्टर UK सिन्हा हैं। इनमें से कौन सा बैंक फर्स्ट डेस्टिनेशन बैंक बना है जिन्होंने डेबिट कार्ड बेस्ड ई मैंडेट शुरू किया है NPCI के API प्लेटफॉर्म पर? राइट आंसर है कोटक महिंद्रा। सो कोटक महिंद्रा है वो पहला डेस्टिनेशन बैंक बना है डेबिट कार्ड बेस्ड ई मैंडेट शुरू करने वाला। ई मैंडेट है वो एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो रिकरिंग पेमेंट्स के लिए किया जाता है। रिकरिंग पेमेंट्स यानी कि जो बार बार पेमेंट्स की जाती हैं, जैसे कि टेलीफोन बिल हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्कूल फीस। सो ई मैंडेट के थ्रू कस्टमर है वन टाइम पेमेंट करता है और सब्सिक्वेंट पेमेंट्स के लिए बार बार कस्टमर को ट्रांजेक्शन नहीं करना होगा और सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली होते रहेंगे इनिशियल वन टाइम ऑथराइजेशन के बाद। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेस पर RBI ने नेशनल हाउसिंग बोर्ड और नाबार्ड में अपने जो एंटायर स्टेक्स थे वो यूनियन गवर्नमेंट को बेच दिए हैं? राइट आंसर है सेकंड नरसिम्हम कमेटी। सो रिसेंटली RBI ने सेकंड नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए नेशनल हाउसिंग बोर्ड और नाबार्ड में अपने जो एंटायर स्टेक्स थे वो यूनियन गवर्नमेंट को बेच दिए हैं। यानी कि अब NHB जो कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड है और नाबार्ड दोनों ही 100% गवर्नमेंट ओन्ड हैं।
नाबार्ड की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एक एग्रीमेंट किया है अफ्रीका के मालावी में इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो नाबार्ड की एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी हैं। इसके अलावा मालावी की बात करें तो रिसेंटली मालावी ने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के लिए पायलट टेस्ट लॉन्च किए हैं। इसके अलावा मालावी की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी राजधानी है लिलोंगवे। किस कंट्री ने सक्सेसफुली विश्व के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को टेस्ट किया है? राइट आंसर है रशिया। सो रिसेंटली रशिया ने विश्व के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का टेस्ट किया है। इसके अलावा रशिया की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रशिया से T-90 टैंक्स के प्रोक्योरमेंट को क्लियर किया है। इसके अलावा रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रशिया न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट मिस्टर किम जोंग उन और रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन के बीच पहली समिट है वो रशिया के व्लादिवोस्टोक में हुई। इसके अलावा रिसेंटली नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट मिस्टर किम जोंग उन और यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बीच सेकेंड समिट है वो वियतनाम के हानोई में हुई। इन दोनों लीडर्स के बीच फर्स्ट समिट है वो सिंगापुर में हुई थी। किन्हें इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राइट आंसर है मिस्टर विकास खन्ना। सो मिस्टर विकास खन्ना को इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उनके अलावा रिसेंटली कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स न्यूज में थे। रिसेंटली मिस्टर धोनी को रेड बस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रेड बस एक बस टिकेटिंग प्लेटफॉर्म है। उनके अलावा रिसेंटली मिस मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का गुडविल एम्बेसडर बनाया है। उनके अलावा मिस पद्मा लक्ष्मी हैं, उनको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने गुडविल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है। और मिस करीना कपूर हैं, उनको रिसेंटली स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। रिसेंटली किन्हें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के तौर पर अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर राजेंद्र कुमार नायक। सो मिस्टर नायक हैं वो नए CGDA बने हैं। CGDA का मतलब है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। उनके अलावा मिस गार्गी कोल हैं वो डिफेंस फाइनेंस की नई सेक्रेटरी बनी हैं। उनके अलावा रिसेंटली मिस्टर ग्राहम रीड हैं वो इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। मिस्टर रीड हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। और मिस्टर डेविड मलपास हैं वो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। उनके अलावा मिस्टर करमवीर सिंह हैं वो इंडियन नेवी के नेक्स्ट चीफ के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। वो मिस्टर लांबा के सक्सेसर होंगे। मिस्टर लांबा 31 मई को रिटायर होने वाले हैं। सिरिल अल्मेडिया, जिन्होंने 2019 का IPI वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड जीता है, वो किस कंट्री से हैं? राइट आंसर है पाकिस्तान। सो मिस्टर अल्मेडिया हैं वो पाकिस्तान से हैं और रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड जीता है। पाकिस्तान की बात करें तो रिसेंटली पाकिस्तान और ईरान ने JBRF यानी जॉइंट बॉर्डर रिएक्शन फोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रिसेंटली FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। FATF है, उसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके अलावा रिसेंटली मिस सुमन कुमारी हैं वो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस ले लिया है। इसके साथ साथ रिसेंटली पाकिस्तान ने सुगर केन जूस को नेशनल ड्रिंक के तौर पर डिक्लेयर किया था। और रिसेंटली मिस कृष्णा कुमारी कोहली हैं वो पहली थारी हिंदू महिला बनी हैं जो पाकिस्तान के अपर हाउस में इलेक्ट हुई हैं। 2019 का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज किन्होंने जीता है? राइट आंसर है मिस्टर राणा दास गुप्ता। सो मिस्टर राणा दास गुप्ता ने 2019 का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज जीता है अपने नोवेल सोलो के लिए। मिस्टर टैगोर के नाम पर एक और अवार्ड है, टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हारमोनी, और 2016 के लिए ये अवार्ड दिया गया है मिस्टर रामवांजी सुतार को। मिस्टर टैगोर की बात करें तो वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उनको 1913 में उनके पोएम कलेक्शंस गीतांजलि के लिए
लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।